हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शरारती शिवांश। आज हम लोग जा रहे हैं राजस्थान की फेमस सिटी उदयपुर के बहुत खूबसूरत सिटी पैलेस में, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है। मैसूर पैलेस के बाद इस पैलेस को मेवाड़ राज साम्राज्य के 22 राजाओं ने करीब 400 साल में बनवाकर पूरा किया था। जब महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से उदयपुर शिफ्ट करने का फैसला लिया था, तब उन्होंने 1559 में उदयपुर सिटी को बसाने के साथ ही इस पैलेस को बनवाना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों से बार बार युद्ध की स्थिति बनने के कारण ही महाराणा उदय सिंह ने इस जगह पर सिटी पैलेस बनाने का फैसला लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जगह काफ़ी सुरक्षित मानी जाती थी, क्योंकि अरावली की ऊंची पहाड़ियों, जंगलों और पिचोला झील से घिरी हुई थी। यही नहीं बल्कि इस पैलेस को अंदर से बिल्कुल भूलभुलैया की तरह बनाया गया है, और इसके अंदर जाकर कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है। शायद इन्हीं वजहों के कारण मेवाड़ की इस विरासत पर कभी कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर सका है। इस पैलेस के अंदर जाने के लिए एडल्ट्स का टिकट प्राइस 300 रुपये का है, 5 साल से ऊपर और 18 साल से कम बच्चों का टिकट प्राइस 100 रुपीज़ का है, और 5 साल से छोटे बच्चे पैलेस में फ्रीज में जा सकते हैं। इस पैलेस के टाइमिंग की अगर हम बात करें तो ये रोज़ाना सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक खुला रहता है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं शानदार सिटी पैलेस के अंदर। 16 मार्च 1559 में राणा उदय सिंह के पोते अमर सिंह का जन्म हुआ था। परंपरा के अनुसार राणा अपने पोते को कुलदेव श्री एकलिंग जी से आशीर्वाद दिलवाने लेकर गए। इसी प्लेस पर राणा ने खरगोश का शिकार किया और उसको शुभ स्थान मानकर उन्होंने यहाँ एक पत्थर गाड़ दिया। और तभी गोस्वामी प्रेमगिरी नाम के एक महात्मा ने राणा से कहा कि आप अपना महल और राजधानी इसी जगह पर बनवाइए। और उसके बाद राणा उदय सिंह ने राय आंगन में नव चौकी महल की नींव रखवाई। यहाँ सिटी पैलेस में कई सारे गेट्स यानी कि पोल बने हुए हैं, जो कि बड़ी पोल, टिपोलिया पोल, हाथी पोल और हम जिस गेट से आए हैं वो थी तोरण पोल। यहाँ पर अंदर आते से ही सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है, जो कि 400 साल पुरानी मूर्ति है। यहाँ पर महाराणा प्रताप के सारे ओरिजिनल हथियार रखे गए हैं, जो हमें सामने से दिखाई देते हैं। महाराणा प्रताप का सुरक्षा कवच भी दिखाई देता है, जिसे पहनकर महाराणा प्रताप युद्ध के लिए जाया करते थे। और ये लोहे का बनाया हुआ कवच है, और इसे देख कर ही पता चलता है कि वह कितना मजबूत होगा। इसके पास में ही महाराणा प्रताप की ढाल और तलवार भी रखी हुई है, जो कि असली है। यहाँ संगमरमर के स्टोन से बना हुआ एक कुंड है। ये उस जमाने का लखू कुंड है। जब कोई महाराणा बनते थे तो उनका राज तिलक के बाद इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के भर दिए जाते थे। लखू का मतलब होता है लाख, और इसलिए इस कुंड को लखू कहते हैं। इन 1 लाख सिक्कों में से 25,000 सिक्के यहीं चौक पर उछाल दिए जाते थे, जिसको आम जनता लूट लिया करती थी। बाकी के जो 75,000 सिक्के हुआ करते थे वो दान पुण्य के काम के लिए यूज़ करते थे। इस लखू कुंड को आखिरी बार सन 1930 में इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद से इसे कभी भी यूज़ नहीं किया गया है। उस जमाने में पोस्टमैन तो होते नहीं थे, तो उस समय में यहाँ पिंजरों में कबूतर रहते थे, जो कि एक पोस्टमैन का काम करते थे। ये यहाँ सारी दीवारें मार्बल की बनी हुई है, और ये सारा मार्बल मकराना नाम की जगह से लाया गया था। अभी हम इस पैलेस के 4th फ्लोर पर हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पर थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं डाली गई है। तो सवाल ये उठता है कि 4th फ्लोर पर बिना मिट्टी के ये पेड़ कैसे? ये पूरा एरिया एक पहाड़ की चोटी है। यहाँ हम पहाड़ के टॉप पर हैं। इन सभी पेड़ों की जड़ें इस पहाड़ के नीचे गई हुई है, जो पूरे हिस्से और इस पूरे हिस्से के नीचे कोई भी रूम नहीं है। और यहीं इस पहाड़ के ऊपर राजाओं के नहाने के लिए एक स्विमिंग पूल भी बनाया गया था। इस कमरे को शीश महल कहते हैं। इस कमरे का निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने करवाया था। ये पूरा कमरा, इसकी दीवारें, फर्श और छत तीनों ही कांच से बने हुए हैं, और इसके दरवाजे हाथी के दांत के बने हुए हैं। ये शीश महल राजा और रानी के बेडरूम हुआ करते थे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स देखने को मिलेगी।
यहाँ पर एक जनाना महल है। वहाँ पर जब भी किसी रानी के पति की मृत्यु हो जाया करती थी, यानी जब वो विधवा हो जाती थी, तब वो उनको यहाँ पर जनाना महल में शिफ्ट कर दिया जाता था और यहाँ पर पुरुषों का आना पूरी तरह से मना था। उन दिनों में एक अंग्रेज हुआ करता था जिसका नाम था जॉर्ज पंचम, जो कि उस वक्त इंग्लैंड का राजा हुआ करता था। तो उसने एक बार कहा कि दिल्ली में एक मीटिंग है और भारत के जितने भी राजा हैं उन सभी को उस मीटिंग में आना कंपलसरी है। तो उस दिन सभी राजा मीटिंग में गए, लेकिन महाराणा फतेह सिंह वहाँ नहीं गए, क्योंकि अगर वो वहाँ जाते तो उन्हें भी वहाँ उस अंग्रेज के सामने झुककर उसको सलाम करना होता, और यही नहीं बल्कि उसके सामने नीचे भी बैठना पड़ता, जो कि मेवाड़ की शान के खिलाफ है। और शायद आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि मेवाड़ में कहावत आज भी प्रचलन में है कि हम लोग सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। तो जब ये बात उस अंग्रेज को पता चली तब वो महाराणा फतेह सिंह की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने वहाँ महाराणा के सम्मान में दिल्ली से एक चेयर भिजवाई थी। यहाँ कुछ रास्ते इतने सकरे इसलिए हैं ताकि दुश्मन महल में आने की कोशिश करे तो एक बार में एक से ज़्यादा आदमी यहाँ ना चल पाए। इस महल में बहुत सारे गुप्त रास्ते हैं जो कि बाद में बंद कर दिए गए थे। नीचे एक जगह होती थी जिसका नाम दीवाने आम होता था, यानी कि ऐसी जगह जहाँ राजा आम लोगों की समस्या सुनने के लिए आया करते थे। यहाँ मोती महल है जो कि बहुत खूबसूरत है। मोती महल में होली, दिवाली और दूसरे फेस्टिवल्स पे दीवाने आम में डांस और तरह तरह के प्रोग्राम्स होते थे, और यहाँ मोती महल में से रानियाँ डांस के प्रोग्राम को देखा करती थी। मोती महल में जो कांच लगे हुए हैं उनसे रानियाँ बाहर तो देख सकती थी, लेकिन बाहर का कोई भी इंसान रानी को नहीं देख सकता था। यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पे जगदीश टेम्पल है। ये मेवाड़ का जगन्नाथ मंदिर है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने राजा जगत सिंह को सपने में दर्शन देकर एक भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया था। भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि अब वे यहीं पर आकर निवास करेंगे। उसके बाद महाराणा जगत सिंह ने भगवान विष्णु के इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बनाने में 25 साल लग गए थे। मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्त की भगवान श्री विष्णु पलक झपकते ही सभी तन और मन की पीड़ा दूर कर देते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाले हर शख्स का सपना ज़रूर पूरा होता है। तो ये था उदयपुर का बहुत सुंदर और ऐतिहासिक सिटी पैलेस। यहाँ पर पिचोला झील भी है, आप चाहे तो इस खूबसूरत झील में बोटिंग कर सकते हैं। पिचोला झील में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में कभी भी बोटिंग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पैलेस के बारे में कुछ बातें जान करके अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।